वेलकम टू सिया इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बेटा, हमने कल जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, क्या आपने वो अपनी फेयर नोटबुक में लिख ली हैं? आप उन्हें बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना और बेटा एक बार फिर से चेक कर लेना कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है? इसके आज जो आगे के क्वेश्चंस है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर सी है, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। आज हम इसे ही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज? कि क्या डिफरेंस है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में, हमने वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है? पब्लिक हेल्थ सर्विस मतलब कि क्या हो गया ये आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर। कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो स्वास्थ्य केंद्रों की एक चेन है, एंड हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स की भी चेन है, रन बाय द गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। दीज आर अवेलेबल बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये दोनों ही एरिया में अवेलेबल है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर वो शहरी क्षेत्र हो। मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, ये ऐसी हेल्थ सर्विसेज है जिन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ये सभी स्वास्थ्य केंद्र गवर्नमेंट चलाती है। बहुत सारे गवर्नमेंट इसमें स्वास्थ्य केंद्र खोलती है, हॉस्पिटल खोलती है, और गवर्नमेंट ने सभी क्षेत्रों में, देश के सभी क्षेत्र, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर वो अर्बन एरिया हो, गवर्नमेंट ने दोनों ही क्षेत्रों में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स खोले हुए हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि सभी लोगों को वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज लोगों को मिल पाए। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या वहाँ पर लोगों की नीड पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। नंबर टू है हमारा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये निजी स्वास्थ्य केंद्र हैं, निजी सार्वजनिक सुविधाएं हैं। मतलब इसे किसी एक व्यक्ति ने इंडिविजुअल या फिर दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर खोला हुआ है। देखिए क्या लिखा हमने, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर दोज विच आर प्राइवेटली ओन्ड एंड नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं, इसे प्राइवेटली ओन्ड, मतलब ये इस पर किसी एक व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार होता है, इस पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता और ना ही गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। मतलब इसका जो स्वामित्व है वो कोई एक व्यक्ति करता है, जिसने अपना पर्सनली वो हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र खोल रखा है। दीज आर मोस्टली अवेलेबल इन अर्बन एरियाज। और इस प्रकार की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो ज़्यादातर जो हैं आपकी अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। तो ये हो गया डिफरेंस आपका पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मतलब ऐसी हेल्थ सर्विसेज जिसे सब लोग जिसे इस्तेमाल कर सकें, मतलब गरीब लोग भी वहां पर जा सकें। तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट की बात नहीं होती, इसे गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है, इसे इंडिविजुअल व्यक्ति ओपन कर रहा है या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर ओपन कर रहे हैं, और इनका मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हाट वेज इज द पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर एवरीवन। कि हम किस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो सभी के लिए है। अभी हमने पढ़ा ना कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वहां पर सब लोगों की पहुंच होती है। तो यही क्वेश्चन हमें पूछ रहा है आगे कि किस तरीके से ये सभी लोगों तक, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो सभी के लिए है, वो किस तरीके से है। तो देखिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज मीन फॉर एवरीवन। पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब ही यही है कि एवरीवन, सभी के लिए है। एज देयर आर अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स, स्वास्थ्य केंद्र हैं, डिस्पेंसरीज हैं, अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, जो कि जनरल पब्लिक सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध हैं। दे ट्रीट पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट और एट द लो कॉस्ट। ये लोगों का जो इलाज है, या तो वो फ्री करते हैं या फिर बहुत ही कम कीमत पर करते हैं। बेटा, मैंने आपको इससे पहले के क्वेश्चन में भी बताया कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है,
ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान रखती है कि हर एक गरीब व्यक्ति भी यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्रीटमेंट की जो फी है या तो वो बहुत ही कम रखी है, या फिर बहुत सारी सामान्य बीमारियां तो ऐसी भी हैं जिनका गवर्नमेंट फ्री इलाज भी करती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। डिस्कस पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या उनका पॉजिटिव पहलू है, हमने उस पर चर्चा करनी है। देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस हैं, एंड प्रोड्यूस दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो तैयार किए जाते हैं। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज ज्यादा हैं, और जब मेडिकल कॉलेज ज्यादा होंगे तो वहां पर क्या होगा कि डॉक्टर भी सबसे ज्यादा ही तैयार होंगे। सबसे ज्यादा डॉक्टर हर साल इंडिया में ही बनते हैं। नंबर टू, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैव बीन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली ओवर द ईयर। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, बहुत सारी संख्या में जो हॉस्पिटल्स हैव बीन इंक्रीजिंग, वो बढ़ते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली लगातार ओवर द ईयर, हर साल। मतलब हर साल लगातार बहुत सारे हॉस्पिटल इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। बेटा, इनमें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या जो है वो ज्यादा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या में काफी कम है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। नंबर थ्री, अ नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट विजिट फॉर देयर ट्रीटमेंट। अ नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट कौन से हैं? ये चिकित्सा पर्यटक हैं, ये इंडिया आते हैं देयर ट्रीटमेंट, अपने ट्रीटमेंट के लिए। मतलब बाहर की कंट्री से जो लोग हैं वो इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि इंडिया में उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी मिलती है और बहुत कम कीमत पर मिलती है। जितना यदि उन्हें कोई बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट वो इंडिया में करवाने आ रहे हैं, जितना पैसा उनका इंडिया में खर्च होगा उससे कहीं ज्यादा पैसा उनके अपने देश में खर्च होता है। तो इसलिए वो लोग इंडिया आते हैं, और जब वो लोग इंडिया आते हैं तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाहर के लोग भी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए भारत की तरफ आ रहे हैं। मीन्स इंडिया में भी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है चौथा दवाइयों का उत्पादक है विश्व में। मतलब विश्व में दवाइयों के उत्पादन में इंडिया चौथे नंबर पर है। ठीक है, दवाइयां बहुत ज्यादा बन रही हैं, चौथे नंबर पर है इंडिया। ये सब जो है आपके इंडिया के हेल्थ केयर सर्विस के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20। डिस्कस नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। अभी हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़े, अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। देखिए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया आर, इंडिया के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ केयर के वो देखिए। नंबर वन, देर आर स्कार्सिटी ऑफ डॉक्टर इन रूरल एरियाज एंड मोस्टली डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। कह रहे हैं यहाँ पर जो रूरल एरिया में जो डॉक्टरों की कमी है, ठीक है, बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में अपने हॉस्पिटल को खोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टरों की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, ज्यादातर जो डॉक्टर हैं वो शहरी क्षेत्रों में ही सेटल हो गए हैं, और उन्होंने शहरी क्षेत्रों में ही अपने क्लिनिक या फिर अपने अस्पताल खोले हैं। इसलिए जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है यदि उन्हें किसी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाना है, या फिर घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उन्हें काफ़ी दूर शहर तक जाना पड़ता है, और इस बीच उस व्यक्ति की तबीयत जो है ज़्यादा खराब भी हो सकती है, क्योंकि गाँव और शहर के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है। नंबर टू, ऑलमोस्ट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर एंड द नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। कह रहे ऑलमोस्ट 5 लाख पीपल डाई, कि हर साल लगभग 5 लाख लोग जो हैं ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के कारण मर जाते हैं इंडिया में, और ये जो नंबर है, जो 5 लाख जो हमने नंबर बताया, ये कम हो ही नहीं रहा हर साल। मतलब ये भारत के लिए एक
सही बात नहीं है, एक नेगेटिव भारत के लिए एक नेगेटिव थिंकिंग है। अगर हम भारत की हेल्थ केयर सर्विस के बारे में देखें कि हर साल यहाँ पर 5 लाख लोग तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण ही मर रहे हैं। नंबर 3, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल विच कॉजेज वाटर बॉर्न डिजीजेज। कह रहे हैं भारत में लोगों को साफ पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा, जिसके कारण उन लोगों को पानी से संबंधित बीमारियां लग जाती हैं। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को साफ पीने का पानी तक नहीं उपलब्ध करा पा रही, जिसके कारण जो लोग हैं पानी से जो भी बीमारियां होती हैं, हैजा है ना, इस प्रकार की बीमारियों से वो लोग ग्रसित हो जाते हैं। नंबर 4, लैक ऑफ एडुकेट फूड कॉजेज माल न्यूरिशमेंट इन चिल्ड्रन। लैक ऑफ एडुकेट फूड कि एडुकेट फूड मतलब प्रॉपर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता इंडिया में लोगों को, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बच्चों में भोजन की कमी है, उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो बेटे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया, हमारा पूरा चैप्टर हेल्थ सर्विस के बारे में था, ठीक है। इसमें हमने जाना था कि हेल्थ क्या थी। तो बेटा हेल्थ क्या थी, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अवर कैपेसिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, कि बीमारियों और चोटों से दूर रहने की जो हमारी कैपेसिटी है उसी को ही हमने हेल्थ कहा। उसके साथ साथ हमने इसमें कॉम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ा। कॉम्युनिकेबल डिजीजेस क्या थी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर एक एनिमल से दूसरे व्यक्ति में हवा पानी या भोजन के द्वारा लग जाती हैं। मेडिकल टूरिस्ट हमने अभी अभी किया कि विदेशों से जो लोग इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं उन्हें हम मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। और इंडिया में 2 टाइप के हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। और हमारा संविधान लोगों के वेलफेयर के बारे में क्या कहता है, संविधान गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि गवर्नमेंट ये ध्यान रखे कि सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज उपलब्ध हो पाए। हम जब जाते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर तो भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि अमन जब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो उसे बहुत लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। तो इसके लिए बेटा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हॉस्पिटल्स की संख्या को बढ़ाए, डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाए, हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़े ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसीलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम है और उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ होने के कारण जिन लोगों के पास पैसा है वो चाहते हैं कि हम जल्दी से ट्रीटमेंट करवाएं, तो वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, ठीक है, अच्छे इक्विपमेंट्स उनके पास होते हैं और डॉक्टर भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और दवाइयाँ भी लोगों को ईजिली मिल जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टरों की कमी रहती है, प्रॉपर लोगों को बेड नहीं मिल पाते, जिस कारण क्या होता है, लोग जो हैं जो रिच पीपल हैं या फिर मीडियम परिवार के जो लोग हैं, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर अग्रसर होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक तो जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें क्लीनिंग पर ध्यान दे कि वहाँ पर सफाई हो, डॉक्टर अवेलेबल हो, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़े, बेड की संख्या बढ़े, ताकि वहाँ पर लोगों की भीड़भाड़ ना हो पाए। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो दूसरे पहलू हैं जिनके कारण मतलब बीमारियों के अलावा भी कुछ ऐसे और भी कारक हैं, कुछ और भी फैक्टर हैं जो कि मनुष्य को प्रभावित करते हैं, उसकी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। यदि वाटर नहीं होगा उनके पास क्लीन तो वो बीमार हो जाएंगे। पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए। गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को अभी भी और काम करने की भी ज़रूरत है। तो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसके क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखिए और उन्हें अच्छे से लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।